छह दिन के अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का विधिवत तरीके से समापन किया गया और इसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर विदा किया। देखिए रिपोर्ट। सीएम जयराम ठाकुर ने माता रेणुका व भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद विधिवत भगवान परशुराम की देवपालकी को विदा किया। सीएम ने यहाँ भगवान परशुराम की पालकी को कंधा दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप और स्थानीय विधायक विनय कुमार भी मौजूद रहे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी का मेला आज भी परंपरा अनुसार ही मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। सीएम ने कहा कि पहाड़ी संस्कृति को मजबूत करने में भी अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो प्रदेश की सुख समृद्धि व खुशी की कामना करते हैं। एक ऐतिहासिक मेला रेणुका जी का, माँ रेणुका जी का जो हर वर्ष मनाया जाता है, आज उसी खुशी के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी श्रद्धा के साथ जो है आज समापन की ओर बढ़ रहा है। और माँ रेणुका जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, प्रदेश पर बना रहे, प्रदेश के सभी लोगों पर, प्रदेश प्रगति करे, प्रदेश के साथ साथ में यहाँ के लोगों के लिए जो है ये सारे जीवन पर जो है वो खुशियाँ लाए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने ददाहू में 3,59,00,000 रुपए की लागत से बनी पेयजल योजना व आईपीएच विभाग के नए उपमंडल कार्यालय का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों ही योजनाएं क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। स्वाभाविक रूप से ये मेला बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर मनाया जाता है हर साल, और पूरे जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है उस संस्कृति को भी मजबूत करने के लिए ये मेला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज भी बहुत श्रद्धा के साथ बड़ी संख्या में लोग इस मेले में आते हैं और माँ का आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। परंपरा के अनुसार ये मेला दशमी के दिन शुरू हुआ था, जब भगवान परशुराम अपनी माँ रेणुका जी से मिलने रेणुका जी पहुंचे थे। भगवान परशुराम आज वापस अपनी तीर्थस्थली जामुकोटी लौट गए। ये मेला न केवल हिमाचल बल्कि बाहरी राज्यों के लोगों के लिए भी आस्था का एक केंद्र है। जनता टीवी के लिए रेणुका जी से देवेंद्र वर्मा की रिपोर्ट।